हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है। बात करेंगे कुर्बान सर से। कुर्बान सर, शाहरुख खान की दो मूवी आई है, पहली है पठान, दूसरी है जवान। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, शाहरुख खान फिल्मी दुनिया का एक सरताज है, बेताज बादशाह है। शाहरुख खान किसी तारुफ परिचय का मोहताज नहीं है। देश और दुनिया के तमाम लीडर्स, जनप्रतिनिधि शाहरुख खान की मूवी को पसंद करते हैं। जैसे कि किरण, आपने कहा है कि शाहरुख खान की पहली मूवी आई पठान और उसके बाद जवान, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर यही है कि जो जवान फिल्म है, इसमें एक संदेश दिया गया है सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को, लीडरों को, जो सत्ता में वो लोग हैं सिर्फ मलाई खाते हैं, जनता की सेवा नहीं करते, और जिनको ग्राउंड की, जमीनी हकीकत की सलाहियत, नॉलेज नहीं है, जो ग्राउंड से दूर हैं। शाहरुख खान ने एक फिल्मी दुनिया का एक्टर होने के बावजूद भी, ना वो जनप्रतिनिधि है ना लीडर है, लेकिन फिर भी जवान फिल्म के जरिए एक संदेश दिया है। क्योंकि हमारे देश के अंदर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जी उसमें संदेश यही दिया गया है कि हम वोट ऐसे नेता को दें, ऐसे कैंडिडेट प्रत्याशी को दें जो हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल भविष्य के बारे में सोचे, जो इंसान बीमार हैं उनके इलाज, उनकी दवाइयों के बारे में सोचे, जिन मोहल्लों में, जिन गांव में, जिन शहरों में, जिन इलाके एरियों में सड़कें नहीं है, अच्छी सुविधा फैसिलिटी नहीं है, वो सुविधा मिले तब हम वोट करें। क्योंकि वोट की ताकत खूबसूरत संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। वोट बड़ा कुर्बानियों के साथ मिला है, बड़ी मेहनत के साथ मिला है, इसलिए हमें वोट की बहुत अच्छे से हिफाजत करनी है। इसलिए वोट सही इस्तेमाल करते हुए कैंडिडेट जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, उनसे अच्छे काम लेने हैं, इसलिए उसमें एक अच्छा संदेश दिया गया है। और बात रही पठान फिल्म की, जिन लोगों ने, जिन अंध भक्तों ने पठान फिल्म का विरोध किया था, उन्होंने ही बाद में फिल्म को देखा, फिल्म को पॉजिटिव पाया। शाहरुख खान एक दमदार एक्टर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। मैं किसी पार्टी के लीडर की यहाँ प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ, ना ही ये बताना चाहता हूँ किस नेता ने शाहरुख खान की मूवी के बारे में क्या कहा, लेकिन दोनों फिल्म ने देश की जनता को एक पॉजिटिव, अच्छा संदेश और पैगाम दिया।